नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको ये प्रॉफिट रहेगा कि इंडिया में निकलने वाली प्रत्येक भर्ती, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी की जानकारी आपको एक ही YouTube चैनल पर मिलेगी, वो दीपेश गौर YouTube चैनल को। तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करने से आपको ये फायदा रहेगा कि इंडिया में निकलने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडीएफ यहां पर आपको प्राप्त होगी। तो अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आज की भर्ती के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आज निकली है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में निकली है ये भर्ती। खंडवा रोड इंदौर मध्य प्रदेश में ये भर्ती निकली है। दोस्तों, साक्षात्कार आपका इसी महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी यहां पर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 22 नवंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था दोस्तों। तो इसकी जो है वो विवरण यहां पर देख सकते हैं। अनुभाग परियोजना कौन सी है, तो AICRPS स्कीम परियोजना। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कौन है, डॉक्टर संजय गुप्ता प्रिंसिपल है। ठीक है, पद का नाम कौन सा रहेगा सोयाबीन अनुसंधान में, तो युवा पेशेवर ये पद रहेगा। टोटल बन जो पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है दोस्तों। और न्यूनतम योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि विज्ञान में स्नातक आपके कंप्लीट होना चाहिए कृषि विज्ञान में। वांछनीय योग्यता, आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फील्ड वर्ग परियोजना, फील्ड परीक्षण आयोजन करने का कार्य का अनुभव होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट तथा वर्ड तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बुनियादी कार्य का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें तो अनुभव की, तो यहाँ पर आपको जो अनुभव है नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको अनुभव नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये प्रति पर मंथ आपको दी जाएगी। आयु सीमा क्या रहेगी कि आयु सीमा में युवा पेशेवरों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रहेगी। निम्नानुसार उम्र में छूट आपको दी जाएगी। वर्ग कौन सा रहेगा, ST SC OBC जनरल सभी वर्ग के लिए है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो कार्य की अवधि कब रहेगी, आपको इसमें परमानेंट नहीं है दोस्तों। युवा पेशेवरों की प्रारंभिक नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी, जो कि संस्था में सेवाओं की आवश्यकता और संतोषजनक, अगर आपका कार्य उन्हें संतोषजनक लगा तो इसकी आपको इसमें वृद्धि की जा सकती है। एक एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। मतलब अभी 31 मार्च 2023 तक तो आप परमानेंट रहेंगे, उसके बाद अगर आपका कार्य संतोषजनक आप उन्होंने लगा तो 3 वर्ष तक इसे बढ़ा सकते हैं। साक्षात्कार आपका ऑफलाइन रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, वो साक्षात्कार की तिथि 30 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। 30 नवंबर 2023 को इसे आप कर सकते हैं, इसमें साक्षात्कार देने जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें जो पोस्ट पद की संख्या एक कनिष्ठ अनुसंधान अधित्या, तो इसमें भी सभी दोस्तों आपको जो है वो समान देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ और है। ठीक है, परियोजना का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 2 से 3 पद हैं, तो इसमें आप सब देख सकते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ऊपर मिल जाएगी जहां से आप इसमें आवेदन के लिए प्रोसेस समझ सकते हैं पूरी। ठीक है, और यहां पर सबसे नीचे आपको आखिरी में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका कैंडिडेट का नेम इन ब्लॉक लेटर में, ठीक है, ब्लॉक लेटर में आपको ब्लैक में लिखना है। सभी यहां पर आपको क्वालिफिकेशन लिख देना है, पूरा भर देना है। इस फॉर्म को क्या करना है अब वो समझ लीजिए ध्यान से दोस्तों। आपको आवेदन भरते समय ये यहाँ पर जो आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है एप्लीकेट फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर, उस पोस्ट का नाम जरूर से लिख देना है। पूरे फॉर्म को भरने के बाद जो आपको सबसे ऊपर एड्रेस दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक बार मैं उसे यहाँ पर जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पर उसे भेज देना है। ठीक है, इस एड्रेस पर भेज देना है। और 30 नवंबर अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए या तो आपको मैसेज किया जाएगा इनबॉक्स में, ठीक है, या मेल की जाएगी, आपको फ़ोन लगाया जाएगा, कुछ भी कंडीशन में आपको किया जा सकता है, आपको सूचित किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों अगर इसमें कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।